लिख वर्ण के उच्चारण स्थान में लिखो सबसे पहले अ कौमा आ कौमा कवर्ग 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 कौमा विसर्ग तथा ह, इसमें तीर के निशान लगा दो ह के बाद और लिख दो कंठ। अभी बात समझ लो, अ का उच्चारण स्थान कंठ से किया जाता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ से जाता है। कवर्ग में चार ही वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है, क ख ग घ, अंग का अनुनासिक होता है। विसर्ग मीन्स दू गो बिंदी लगता है ना, उसका उच्चारण कंठ से होता है, ह यहां से बोलते हैं, कह राम ह, इसके बाद एक बच गया ह, इसका उच्चारण कंठ से। इसमें से कोई भी आए तो उसका कंठे लिखा जाएगा उच्चारण स्थान। विसर्ग का मतलब दुगो बिंदी लगा रहता है, राम लिख के दुगो आगे बिंदी लगता है तो क्या पड़ता है, राम, तो उसी दुगो बिंदिया को विसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन इसी में दो नंबर लगा, कवर्ग में क ख ग घ, बस अंग नहीं लेना है। अब लिखो हर्षई दीर्घई, अरे अ आई में दुगो एगो ई एगो ई ना वाला दुगो ई, हर्षई या दीर्घई यही में अलग कामा दे दे। चवर्ग य तथा य तथा तालाबे स दुइया वाला स तालाबे स, एकरा में तीर के निशान मारी के लिखी तो तालू 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 तालू, मुंह के तालू कहाँ बा तालू। चवर्ग में च छ ज झ इया नहीं खेले बे के, अगला लिखा जी भी जा के तालू में सटे ले से तालू कर माना जाला। अगला नंबर दाग ओ में लिखा री री, ऋषि कैसे लिखा जाला री, कौमा दे के टवर्ग, कौमा दे के र, कौमा दे के पेट फरऊंगा स, वो सही कहे तबे तक बुझेबे करी। कामा दे के ओ में लिखी द मुर्धा, ना मुर्धा मुर्दा ना मुर्धा, मुर्धा के मतलब है जब तू कहब ट ठ ड तो दोनों उठवा सट के छूट जाए। अगला लिखा नंबर दाग के तवर्ग, तवर्ग कौमा दे के ल, कौमा दे के स, र वाला स सा, ला, ता, जब बोलबा तब जाके जीभ जन्मिया दांत में जाके सटी जाए, तो एकरा के एकर उच्चारण स्थान लिख दिया दंत। यानी कोई अक्षर बोले से जीभ जहां जाके सटी जाए उहे ओकर उच्चारण स्थान होला। अब लिखे के बढ़ुए हर्षऊ दीर्घऊ, हर्षऊ दीर्घऊ, हर्षऊ दीर्घऊ कौमा देके पवार्ग,
एकर कमा एकर तीर के निशान लगा के आगे लिख द ओठ हर्षव दीर्घव प यानी पवार्ग। अगला क्वेश्चन बा अंग अंग आड़ा ना मा अनुस्वार या चंद्रबिंदी। अनुस्वार या चंद्रबिंदी एकरा सामने तीर के निशान लगा के लिख द अनुनासिक यानी इसमें नाक के सहारे आवाज आती है अनुनासिक। अगला लिखो ए आए ए आए ए आए के सामने तीर के निशान लगा के लिख द कंठ तालु। कंठ तालु यानी कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। अगला है ओ औ ओ औ। एकरा सामने तीर के निशान लगा के लिखो कंठ ओष्ठ कंठोष्ठ कंठ ओष्ठ। लास्ट लिख लो वा वा इसके सामने उच्चारण का लगाओ दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ। क्वेश्चन अगिला बाय करे में लिख लो उच्चारण स्थान कितने हैं। उच्चारण स्थान कितने हैं। उत्तर है मुख्यतः छह यानी छह मुख्यतः छह। वर्ण पूछे कोई तो अतने से पूछे वर्ण में।